हेलो फ्रेंड्स, तो मैं गुनगुन ऑलराउंडर, और आज मैं आपको बताऊंगी नींबू के पेड़ के बारे में, और मैं आपको पूरी ग्रोथ नींबू की बताऊंगी और कैसे स्टार्टिंग होता है सब बताऊंगी। तो आप लोग देखिए, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। ये पीपल के पेड़ की जैसे मोटा नहीं होता है, इसकी पतली डंठल होती है। देखिए, देख सकते हैं आप लोग, और इसमें बहुत ज़्यादा कांटे भी होते हैं। ये देखिए, नींबू की फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले इनमें ये छोटे छोटे से आते हैं, बीज टाइप कली होते हैं, फूल जैसे। देख सकते हैं आप लोग, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये देखिए, सेकेंड स्टेप यही होता है, फिर उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा खुलने लगते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे होते हैं सेकेंड स्टेप में। और इनको गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनको पानी मेरे दादा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए, थर्ड स्टेप में ये ऐसे होते हैं, ग्रीन कलर आ जाता है। देख सकते हैं आप लोग, देखिए, और ये मेरे बगीचे का है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको फोर्थ स्टेप दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, फिर उसके बाद ये ऐसे हो जाते हैं, एक छोटा है पर बाकी तीन बड़े हैं। देखिए, ऐसे होते हैं ये। और अभी आप इसे काटिएगा मत, क्योंकि अगर आप काटेंगे तो इसमें रस नहीं निकलेगा, इसमें सिर्फ सूखे बीज निकलेंगे। और ये देखिए, ये भी वही फोर्थ स्टेप है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, देख सकते हैं, और इसका आप लोग अचार भी बना सकते हैं, शिकंजी सब कुछ बना सकते हैं इसका। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से, देख सकते हैं कितने सारे नींबू हैं। और अगर आप इसमें अभी काटेंगे तो थोड़ा बहुत रस निकलेगा, आप इसका शिकंजी भी बना सकते हैं। देखिए, यह है नींबू। अभी मैं आपको फिफ्थ स्टेप भी दिखाऊंगी। फिफ्थ स्टेप में यही है कि इसमें पूरा रस आ जाता है, बस इसका येलोइश कलर नहीं होता है, ग्रीन रहता है। देख सकते हैं आप, ऐसे यह है फिफ्थ स्टेप, ये ऐसे हो जाते हैं, फिर थोड़े येलो हो जाते हैं नीचे से। देखिए, एकदम गुच्छे गुच्छे में है। मुझे तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा सा येलो में। देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए नींबू, ये येलो में आ गया है। ये लास्ट स्टेप
थोड़ा सा लास्ट में ही होता है, येलो में आ चुका है, ये पक चुका है। और आज ही मैंने बहुत अपने बगल वाले नेबर्स को 4 नींबू मैंने ऐसे ही पके पके दिए थे। देख सकते हैं ये पूरा येलो में हो चुका है। देख सकते हैं आप, ये देखिए मेरे पास बहुत सारे नींबू हैं। और आप लोग भी ये ट्रीज़ लगाइए क्योंकि गर्मियों में बहुत काम आता है। कहीं पे भी आप बाहर से आते हैं तो नींबू पानी या फिर नींबू शरबत, कुछ भी शिकंजी, कुछ भी बना के आप लोग पी सकते हैं। ऊपर देखिए कितने सारे हैं, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इतने सारे नींबू हैं। और इसको हम मेरे दादा डंडे से सपोर्ट देते हैं क्योंकि इतने सारे नींबू हो जाते हैं, ये नीचे आने लगते हैं पौधे, इसीलिए डंडे से इनको सपोर्ट दिया जाता है। और अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो और चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपको दूसरी वीडियो में 5 शिकंजी भी बनाऊंगी, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।